अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उकलन एंड यू आर वाचिंग सेलोटेक यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। वैसे तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग काउंट करने के लिए सी शार्प लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बट हम वो बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर हम लॉजिक को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे। तो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये सवाल किया जाता है कि हम किस तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे यूजिंग सी शार्प लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वो होगी लेंथ। सेकेंड वर्ड जो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे वो होगा वर्ड। तो सबसे पहले इंटीजर हमने यहाँ पर जो लेंथ डिक्लेयर कर दी 0। उसके बाद जो हम सेकेंड वर्ड यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे वो होगा इंटीजर वर्ड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने वर्ड को नंबर 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, क्योंकि हम जब कोई भी वर्ड काउंट करेंगे तो उसको जो सबसे पहला वर्ड होगा वो 1 काउंट होगा। उसके बाद अगर कोई स्पेस आता है, टैब आता है या लाइन चेंज होती है, देन वो सेकेंड वर्ड को काउंट करेगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़र से एक स्ट्रिंग को इनपुट कर पाऊँगा। तो यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैसेज शो करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को मैसेज शो करा दिया ताकि यूज़र यहाँ इस मैसेज को रीड करके स्ट्रिंग को इनपुट करे। उसके बाद हमने जो यूज़र स्ट्रिंग इनपुट करेगा उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे str के अंदर, और उस वेरिएबल की जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो आप जानते हैं कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करते हैं, और जब यूज़र कोई भी वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करेगा तो वो हमारे पास str के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि कंसोल डॉट यहाँ पर मैंने str को प्रिंट करा दिया। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप सकते हैं यहाँ पर मैंने सेलो टैग एंटर किया तो यस, तो हमारे पास यहाँ पर यूज़र जो इनपुट कर रहा है वो हमारे पास आ रहा है। इसके बाद जो हम यहाँ पर लॉजिक यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, वाइल लूप। तो वाइल लूप के सबसे पहले हम जो लेंथ इनिशियलाइज कराइए, लेंथ इज लेस देन इज इक्वल टू, और जो हमने स्ट्रिंग इनपुट कर पाई यूज़र से उसकी हम लेंथ फाइंड कर लेंगे str डॉट लेंथ, और -1 कर देंगे। -1 इस वजह से किया है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे ताकि वो 1 से काउंट हो। उसके बाद हम यहाँ पर जो मेन यहाँ पर हम लॉजिक यूज़ करेंगे, जो मेन स्टेप है वो ये है कि आप जानते हैं कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यूज़र ने हेलो वर्ल्ड को एंटर किया। अब जब जानते हैं जो यहाँ से पहला वर्ड है तो पहला वर्ड चेंज कैसे होगा, ये स्पेस आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे पास कोई स्पेस तो नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर इफ की कंडीशन यूज़ करते हैं स्पेस को फाइंड करेंगे, अगर कि जब भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस आएगा तो वहाँ से वो वर्ड को +1 कर देगा, नंबर को इंक्रीमेंट कर देगा, इस वर्ड को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने str length = space। यहाँ से हमें स्पेस का पता चलेगा, अगर जब भी कोई स्पेस होगी किसी भी वर्ड के अंदर तो वो सबसे पहले यहाँ पर हेलो आएगा। हेलो आने के बाद जब भी यहाँ पर स्पेस आएगा तो वो उस वर्ड को इस वर्ड को ++ कर देगा, यहाँ पर वर्ड ++ काउंट कर देगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टैब, अगर दो वर्ड के दरमियान टैब का स्पेस आ जाए str length \t, अगर टैब का स्पेस आता है तब भी वो यहाँ पर काउंट करेगा वर्ड को।
तीसरा जो हम यूज करेंगे वो लाइन चेंज, लाइन चेंज। तो जब भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लाइन चेंज होगी तब यहाँ से वर्ड को इंक्रीमेंट कर देगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे str length backslash n, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेंथ को हमेशा इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने उस वर्ड को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पर सम एरर आ रहा है लगता है, तो सबसे पहले हम इस एरर को रिजॉल्व करते हैं कि एरर कहाँ पर आ रहा है। स्ट्रिंग तो स्पेस देना जरूरी है इस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर स्पेस का एरर था। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले सेलो टैग किया, तो दे रिटर्न ओनली नंबर ऑफ वर्ड्स। सेलो टैग सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट्स व्हाई दे आर रिटर्न ओनली वन। उसके बाद हम सेकंड रन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे हेलो हेलो। अब यहाँ पर ये टू रिटर्न कर रहा है इस वजह से, क्योंकि हेलो और वर्ल्ड एक दो वर्ड्स हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम था एक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।